हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस रीडर पब्लिकेशन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैटर आवर सराउंडिंग, पदार्थ हमारे आसपास के। क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है ये। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, मैटर के बारे में जानेंगे, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ ए मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल के बीच स्पेस होता है उसके बारे में सीखेंगे, पार्टिकल ऑफ ए मैटर अट्रैक्ट इच अदर बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, पार्टिकल के बीच आपस में अट्रैक्शन होता है, उनके बीच अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है। स्टेट ऑफ मैटर को जानेंगे, स्टेट कितने तरह के होते हैं, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैसियस स्टेट कैसे होते हैं उसको देखेंगे। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर चेंज हो सकता है क्या सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, इसको पढ़ेंगे। इफ़ेक्ट देखेंगे टेम्परेचर का मैटर पर, लेटेंट हीट के बारे में जानेंगे, फ्यूज़न के बारे में, वेपोरेशन के बारे में सीखेंगे इसमें, इफ़ेक्ट ऑफ ए चेंज ऑफ प्रेशर, वेपोरेशन, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द रेट ऑफ ए वेपोरेशन, वेपोरेशन कॉज कूलिंग, प्लाज्मा, और लास्ट में सीखेंगे बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में कि ये किस तरह का मैटर है। चलिए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं, हम लोग मैटर की ओर चलते हैं। मैटर कहते किसे है? मैटर कैन बी एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई अ स्पेस एंड हैज़ ए सम मास, मास में बी स्मॉल और मोर, इट डजंट मैटर। मैटर हम उसे कहते हैं जिसके पास खुद का अपना द्रव्यमान हो और उसका वजन हो, आयतन हो, तो उसे हम लोग मैटर कहते हैं, और वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। और ये मायने नहीं रखता है कि मास जो द्रव्यमान है वो छोटा है या बड़ा है, ये कोई मैटर नहीं करता है कि कितना छोटा पार्टिकल है या कितना छोटा मैटर है। मैटर इज़ ए मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिसे एटम कहते हैं। मैटर का एग्जाम्पल को अगर देखें तो हम देखेंगे पेन, बुक, स्टार, माउंटेन, एटीसी, ये सभी मैटर है। ये आप देख रहे हैं पानी या आइस, ये सारे एयर, ये सभी चीज मैटर है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, भौतिक अवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है? मैटर इज ए मेड अप ऑफ पार्टिकल, ऑल मैटर कंस्टिट्यूट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, दिस स्मॉल पार्टिकल आर कॉल्ड एटम। मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और ये पार्टिकल आपस में कंस्टिट्यूट होते हैं, ये बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं, इसे एटम कहते हैं। दिस पार्टिकल ऑफ ए मैटर आर ए टू स्मॉल सो दे कैन नॉट बी सी बाय नेक्ड आइज और सिंपल माइक्रोस्कोप। ये जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, एकदम छोटे होते हैं, जिसके कारण हम इसे ना तो साधारण माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और ना ही हम अपने आँखों से देख सकते हैं इसको। इसे देखने के लिए हैवी अच्छा माइक्रोस्कोप चाहिए, अच्छी कीमत वाला या अच्छा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है हमें। पार्टिकल ऑफ ए मैटर आर ए कंटिन्यूसली मूविंग एज दे पसेस काइनेटिक एनर्जी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज सो पार्टिकल मूव फास्टर। पार्टिकल के बीच काइनेटिक एनर्जी होता है, जो पार्टिकल होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है, इसीलिए वो आपस में मूव करते रहता है। काइनेटिक एनर्जी जिसे हिंदी में गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं हम लोग, इसीलिए वो मूव करते रहता है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, सॉलिड में स्थिर रहता है, इसको आगे हम लोग देखेंगे, मगर पार्टिकल स्थिर नहीं रहता है, वो गति करते हुए चलते रहता है। जैसे लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं, गैस के जो पार्टिकल होते हैं, वो एक जगह कभी स्थिर नहीं होते, वो मूव करते रहते हैं, इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो पार्टिकल है वो मूव करते रहते हैं, और अगर इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया जाए, ताप को बढ़ा दिया जाए, तो इसका इंक्रीजिंग मूवमेंट और फास्ट हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, हम अब पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लेते हैं, इसमें क्या क्या है। पार्टिकल ऑफ ए मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल के बीच, दो पार्टिकल के बीच स्पेस रहता है, खाली स्थान रहता है, इसको आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे, इसके डेफिनेशन भी देखेंगे, तो इसका हेडिंग हम अभी यहाँ पढ़ लेते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पार्टिकल ऑफ ए मैटर आर ए कंटिन्यूसली मूविंग, जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहता है, जैसे वाटर फ्लो करता है, तो पार्टिकल मूव होने के कारण ही वाटर फ्लो कर पाता है। पार्टिकल ऑफ ए मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल
जो होते हैं उसके बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसके कारण वो आपस में जुड़े रहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। गैस कैन बी कंप्रेस ए लॉट बिकॉज ऑफ द स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल। गैस को हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं, उसको एक कंटेनर में दबा कर, प्रेशर देकर दबा कर छोटे से जगह में कैच करके रख सकते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल काफ़ी दूर दूर होते हैं, उसके बीच काफ़ी स्पेस होता है, खाली स्थान होता है, इसीलिए उसको करीब में ला करके उसको स्टोर करके रखा जा सकता है। पार्टिकल के बीच खाली स्थान काफ़ी होता है। और इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? इसको हम प्रूव इस तरह से कर सकते हैं। व्हेन ए शुगर डिजॉल्व इन ए वाटर, हम शुगर लेते हैं, चीनी लेते हैं और एक पानी का ग्लास लेते हैं। अब शुगर को पानी के ग्लास में मिक्स कर देते हैं तो हम लोग देखेंगे कि शुगर पानी के ग्लास में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। अब शुगर दिखता नहीं है, उसे मिलाने पर शुगर दिखता नहीं है, वो मिक्स हो जाता है। और वाटर का जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ नहीं होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि चीनी के जो मॉलिक्यूल है, चीनी के जो एटम है, वो लिक्विड में मिक्स हो चुके हैं, पानी में मिक्स हो चुके हैं और उसका वाटर लेवल भी ऊपर नहीं उठा है। इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल के बीच खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान में कोई अदर पार्टिकल, कोई अदर एटम जाके जगह ले सकता है, उसको ऑक्यूपाई कर सकता है। आगे देखेंगे हम लोग, पार्टिकल ऑफ ए मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसीलिए वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड इज ग्रेटर बिटवीन पार्टिकल ऑफ ए लिक्विड इज ए मॉडरेट एंड बिटवीन पार्टिकल ऑफ ए गैस इज ए लोएस्ट। जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के, उसके बीच अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। वहीं अगर बात करें लिक्विड की, तो उसके बीच पार्टिकल, उन पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सॉलिड के मुकाबले कम होता है। और वहीं गैस की जब बात करते हैं, तो गैस में पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स ना के बराबर होता है, एकदम लोएस्ट होता है। इसीलिए हम लोग एयर में या गैस में अपने हाथ को मूव कर सकते हैं। बिकॉज of the lowest force of attraction between the particle of gas, we can move our hand through air easily. To move our hand in a liquid such as water, we have to apply some force. But from a solid such as wood, we cannot move our hand. हम लोग एयर में अपने हाथ को फ्रीली मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बीच अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी कम होता है और उसके परमाणु, उसके अणु जो होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होता है। इसीलिए हम लोग हवा में या किसी भी गैस में अपने हाथ को इजीली मूव कर सकते हैं। वहीं अगर लिक्विड में हम अपना हाथ मूव करें, तो उसके बीच कुछ अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमें अपना हाथ मूव करने में हल्का मात्रा में फोर्स का यूज़ करना पड़ता है। आप पानी में अपना हाथ को फेरिएगा, अपना हाथ को अगर पानी में घुमाइएगा, तो आपको थोड़ा सा फोर्स महसूस होगा। या तैरते हुए, जब आप लोग तैरते हैं कहीं पे, तो आप लोग देखे होंगे पानी को आप लोग पीछे धकेलने में कुछ फोर्स महसूस होता है। तो इसीलिए पानी के अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने के कारण उसमें कुछ फोर्स हमें लगाना पड़ता है, और गैस में कम होता है, इसीलिए हमें गैस में मूव करने के लिए कोई भी फोर्स लगाना नहीं पड़ता है। वहीं बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी मात्रा में होता है, काफ़ी अधिक होता है, इसीलिए सॉलिड में हम लोग अपना हैंड मूव नहीं कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ ए गैस इज ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल। गैस में जो पार्टिकल होते हैं उसके बीच अट्रैक्शन फोर्स ना के बराबर होता है, और लिक्विड के बीच अट्रैक्शन फोर्स मॉडरेट होता है। वहीं सॉलिड की बात करें तो सबसे अधिक होता है, इसीलिए हम लोग लकड़ी में या लोहे में जो कि सॉलिड है उसमें अपना हाथ को फेर नहीं सकते, हाथ को मूव नहीं कर सकते हैं। हाथ को सॉलिड के ऊपर रख सकते हैं मगर उसका अंदर नहीं जा सकता है। लिक्विड में अंदर जा सकता है, गैस में अंदर जा सकता है। आगे की ओर चलते हैं हम लोग, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे। सॉलिड स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट क्या है और गैस या स्टेट क्या है, इसको बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी लेस। जो स्पेस होता है पार्टिकलों का, वो सॉलिड में काफ़ी कम होता है, वो पास में ही आपस में सटे हुए रहते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो पार्टिकल है सॉलिड के, वे काफ़ी सटे हुए हैं आपस में। इसके बीच जो खाली स्थान है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्ग, थस पार्टिकल इन ए सॉलिड आर क्लोजली पैक। जो अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी अधिक होने के कारण ये पैक होते हैं आपस में। सॉलिड्स
मेंटेन देयर सेफ इवन व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स दे आर रिजिड सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड जो होता है उसे कंप्रेस्ड करके एक जगह पे इकट्ठा नहीं कर सकते हम लोग। वो सॉलिड जो होता है वो काफ़ी मात्रा में उसके अणु सटे हुए रहते हैं, काफ़ी पास रहता है, इसीलिए उसको कंप्रेस किया जाना काफ़ी मुश्किल है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज़ वेरी लेस एंड सो सॉलिड हैव एन ऑर्डरली अरेंज ऑफ द पार्टिकल देयर फोर सॉलिड हैव ए फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जो काइनेटिक एनर्जी होता है पार्टिकल का सॉलिड में वो काफ़ी कम होता है, इसीलिए वो मूव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो आपस में अरेंज रहते हैं, इसीलिए सॉलिड का फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। आगे की ओर चलते हैं हम लोग, लिक्विड के बारे में जान लेते हैं। लिक्विड के पार्टिकल किस तरह से होते हैं उसके बारे में जानेंगे अब हम लोग। द पार्टिकल ऑफ ए लिक्विड कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर इच अदर। जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वे स्लिप कर सकते हैं और स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, इसीलिए हम लोग नदी का पानी को बहते हुए देखते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं पानी के वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, इसीलिए पानी बहता है, बहते हुए पानी को हम देख सकते हैं। लिक्विड डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। जो लिक्विड होता है उसके पास फिक्स्ड शेप नहीं होता है, उसको जिस कंटेनर में आप रखोगे वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा, उसके पास फिक्स जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, लेकिन जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए लिक्विड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। जो लिक्विड है उसको भी सॉलिड की तरह ज़्यादा कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, वो नेग्लिजिबल ही होता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज़ मोर देन द सॉलिड। मगर इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होता है, इस पार्टिकल की मूवमेंट की जो गति होती है, इन पार्टिकलों की गति ऊर्जा जो होती है वो सॉलिड से अधिक होती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग गैसीय स्टेट के बारे में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज ए नेग्लिजिबल, हेंस पार्टिकल ऑफ ए गैस मूव फ्रीली इन द डायरेक्शन ऑफ गैसेस थस कैन मिक्स द डिफ्यूज इनटू द अदर गैस। जो अट्रैक्शन फोर्स होता है गैस का वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। हेंस पार्टिकल ऑफ ए गैस मूव फ्रीली, इसीलिए जो पार्टिकल होता है गैस के वो इजीली मूव कर सकता है, फ्रीली कहीं भी मूव कर सकता है, आप उसको कहीं भी रख दो वो इजीली मूव कर सकता है। द पार्टिकल ऑफ ए गैस हैव ए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दे मूव विथ हाई स्पीड ऑफ ए ऑल डायरेक्शन एंड कैन एक्सप्रेस प्रेशर एज वेल एज ऑफ इट्स कंटेनर। जो पार्टिकल होता है उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है गैस या पार्टिकल की, वो मूव कर सकता है ऑल डायरेक्शन में, उसके पास वो जो कंटेनर किसी भी कंटेनर में आप उसको रखोगे तो वो दीवार पे, उसके वॉल पे, कंटेनर के वॉल पे प्रेशर देता है मूव करने के लिए, हालांकि वो ज़्यादा प्रेशर नहीं दे पाता है, इसीलिए वो कंटेनर के अंदर बंद रह सकता है। गैस नाइदर हैव ए डेफिनाइट सेफ और नॉर ए डेफिनाइट वॉल्यूम, दे फिल अप द कंटेनर कम्प्लीटली। गैस के पास ना कोई फिक्स वॉल्यूम होता है और ना कोई फिक्स शेप होता है, इसीलिए उसको जिस कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर का पूरा आकार वो ले लेगा। गैस कैन कंप्रेस्ड इजीली, एग्जांपल एलपीजी सिलेंडर यूज्ड एट ए होम एंड द सीएनजी सिलेंडर यूज्ड इन ए व्हीकल। आप गैस को कंप्रेस्ड करके रख सकते हो, अगर गैस को किसी भी छोटे जगह पे आपको कंप्रेस्ड करके रखना है तो उसे रख सकते हो। क्यों? क्योंकि उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी कम होता है, उनके पार्टिकल के बीच काफ़ी मात्रा में खाली स्थान होता है, तो उसको पास पास करके उसको कंप्रेस्ड किया जा सकता है। ठीक है, अब जानेंगे हम लोग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर क्या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज हो सकता है क्या? लिक्विड से गैस बन सकता है क्या, या सॉलिड से लिक्विड बन सकता है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जी हाँ, ये सब काम होता है। लिक्विड से गैस बनने की क्रिया को वेपोरेशन बोलते हैं, वहीं गैस से सॉलिड बनने की क्रिया को डिपोजिशन बोलते हैं, वहीं अगर सॉलिड से गैस बने तो उसे सब्लिमेशन, और अगर मेल्टिंग बोलते हैं हम लोग, अगर बर्फ मतलब सॉलिड अगर लिक्विड में परिवर्तन हो जाए तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं, वहीं अगर लिक्विड सॉलिड में बदल जाए तो उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। द फिनोमिना ऑफ ए चेंज वन स्टेट ऑफ ए मैटर टू अनदर एंड दे बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड द इंटर
कन्वेंशन ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर कैन चेंज इट अ स्टेट, वाटर कैन इजीली इन थ्री स्टेट ऑफ ए मैटर, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वाटर, गैस एज ए वेपर। जो फिनोमिना है चेंज होने का मैटर्स का, वो काफ़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते हुए आप देख सकते हैं, लिक्विड से गैस में चेंज होते हुए देख सकते हैं। और वाटर की बात करें तो वाटर एक ऐसा मैटर है जिसको आप तीनों अवस्थाओं में देख सकते हैं। एज ए आइस के रूप में देख सकते हैं सॉलिड में, एज ए लिक्विड के रूप में आप देख सकते हैं वाटर में, और एज ए गैस के रूप में आप देख सकते हैं वेपर में। तो आप वाटर को आप किसी भी रूप में देख सकते हो, तीनों स्टेट में आप देख सकते हो वाटर को। आगे की ओर चलते हैं, हम लोग जानते हैं इफ़ेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या सॉलिड में ज़्यादा टेम्परेचर दे तो क्या लिक्विड वो बन जाएगा? जी हाँ, सॉलिड को अगर ज़्यादा टेम्परेचर दे, मान लेते हैं ये आइस का है, आइस से भरा हुआ एक कंटेनर है, इसको अगर हीट करें, इसको अगर टेम्परेचर दे, तो उसको मेल्टिंग होके वो लिक्विड में बदल जाएगा, वाटर में बदल जाएगा। उसी वाटर को अगर फिर से हीट करें तो वो फिर कन्वर्ट होके बॉइलिंग करने लगेगा, वो वेपर में बदलने लगेगा, जिसे हम स्टीम के नाम से भी जानते हैं, भाप के नाम से भी जानते हैं, इसको गैस भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह सॉलिड को मेल्टिंग करके वाटर में, मतलब लिक्विड में, और लिक्विड को फिर गैस में चेंज किया जा सकता है। वहीं सॉलिड को गैस में चेंज करने के लिए एनर्जी लगता है, हीट लगता है, वहीं या गैस को सॉलिड में चेंज करने के लिए एनर्जी कम करना पड़ता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड, इट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज विच overcome the force of attraction between the particle, thereby solid matter and its convert to the liquid. The temperature at which a solid metal to be become a liquid at a atmospheric pressure called its melting point. The melting point of ice is 273.16 Kelvin. जो solid होता है उसका atmospheric pressure में, अगर हम बर्फ को ले ले उदाहरण के तौर पर, और बर्फ को अगर जल बनाएं, जल बनाने की प्रक्रिया में जाए, तो हमें पता चलेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 273.16 केल्विन में वो लिक्विड में बदल सकता है, और इस अवस्था को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ए मेल्टिंग, दैट इज ए चेंज ऑफ ए सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज नोन एज फ्यूज़न। जो प्रोसेस होता है मेल्टिंग का, चेंज होने का प्रोसेस होता है, जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होने का, उसे फ्यूज़न बोलते हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड होने की प्रोसेस को फ्यूज़न बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे लेटेंट हीट के बारे में। ये लेटेंट हीट क्या है? द हिडन हीट, ये छुपा हुआ हीट है, विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूलर इज नोन एज द लेटेंट हीट। जो मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है, जैसे सॉलिड के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो उसे लिक्विड में बदलने के लिए उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स को कम होना पड़ेगा, क्योंकि आपको हमने पहले बताया कि सॉलिड के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है लिक्विड के मुकाबले। तो लिक्विड अवस्थाओं में चेंज करने के लिए उसका अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड से कम करना पड़ेगा, इसीलिए उसको चेंज करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है पूरी तरह से एक सॉलिड को चेंज करने के लिए, उसको लैटेंट हीट बोलते हैं। सिंस द हीट एनर्जी इज ए हिडन, ये छुपा हुआ रहता है। जैसे अगर आप आइस क्यूब लेंगे कुछ मात्रा में और उसको हीट करेंगे, तो वो तब तक हीट अब्जॉर्ब करते रहेगा जब तक कि पूरी तरह से लिक्विड ना बन जाए, और उस अवस्था में जो आइस के क्यूब है उसके बीच जो पार्टिकल है वो आपस में टूटेंगे और एक दूसरे से दूर जाएंगे, लिक्विड में जिस तरह से होता है उस तरह से बनने की कोशिश करेंगे। तो उस अवस्था को बदलने के लिए, उस अवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए जो हीट लगता है, उन अणुओं को तोड़ने के लिए जितनी मात्रा में हमें हीट की ज़रूरत होती है, उस हीट को लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं आगे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ ए फ्यूज़न। फ्यूज़न में लेटेंट हीट का क्या काम है? द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड ए बॉइलिंग पॉइंट। जो
हीट होता है, लेटेंट हीट, वो अगर हम 1 किलोग्राम को कन्वर्ट करें, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मेल्टिंग होने के लिए जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसे लेटेंट हीट कहते हैं। वहीं टेम्परेचर जो लिक्विड को बॉयल करने में मदद करे एटमॉस्फेयर प्रेशर में, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि 1 लीटर वाटर को बॉयल होने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी रूम टेम्परेचर में, उसमें हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। द बॉइलिंग पॉइंट फिनोमिना पार्टिकल ऑफ ए बल्क ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू द गैसीय स्टेट। एग्जाम्पल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, और 273 + 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, वो 373 केल्विन, या उसमें से 273 को अगर माइनस कर दे तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन की। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। किसी भी लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए, जैसे 1 किलोग्राम लिक्विड है, तो उसे वेपर में बदलने के लिए जितनी हीट की ऊर्जा होगी, उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच गैस ऑन कूलिंग टर्न इनटू लिक्विड एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। जो कंडेंसेशन इसमें किसे कहते हैं आप जानते हैं, जब गैस से गैस को कूल करके लिक्विड में अगर परिवर्तित किया जाए, तो उसमें जितना टेम्परेचर को कम करना पड़ता है उसे कंडेंसेशन कहते हैं या लिक्विफिकेशन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए कोल्ड्स इज ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ ए वाटर वेपर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। द चेंज ऑफ ए स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम ए सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इंटू द लिक्विड स्टेट और वॉयस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? जैसे आप पहले देखे थे, सब्लिमेशन होता है स्टेट की परिवर्तन की, मतलब अवस्था परिवर्तन में, जो सीधे सॉलिड से गैस में परिवर्तित हो जाए बिना लिक्विड में चेंज हुए, तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास है नेप्थिलीन, और नेप्थिलीन को अगर आप हीट दीजिएगा तो वो लिक्विड में बिना बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड ऑफ ए सब्सटेंस चेंज फ्रॉम ए लिक्विड टू ए सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। अगर लिक्विड को सॉलिड में चेंज किया जाए तो उस अवस्था को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे हम लोग आइस को लेंगे, आइस नहीं, जैसे हम लिक्विड को लेते हैं, और लिक्विड को अगर हमें आइस बनाना हो, फ्रीज करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, तो जाके सॉलिड बनेगा, तो जाके आइस क्यूब बनेगा। इसीलिए लिक्विड को सीधे सॉलिड में बनाने के लिए इस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलते हैं। वेन ए सॉलिड मेटल इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम बिकॉज ऑफ हीट गेट्स यूज ऑफ ए चेंजिंग द स्टेट बाई ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इट इज कंसिडर्ड दैट गेट्स हिडन इन टू द कंटेनर ऑफ ए ब्रेक्स एंड नॉन एज लेटेंट हीट। और इसको चेंज करने में, पूरी तरह से अवस्था चेंज करने में जितनी हीट एनर्जी लगती है, छुपा हुआ हीट एनर्जी लगता है, उसे लेटेंट हीट कहते हैं। द वेपर एट ए 373 केल्विन हैव ए मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज पार्टिकल ऑफ ए स्टीम हैव ऑब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। वाटर को वेपर में बदलने के लिए 373 और उससे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, क्या इफ़ेक्ट है प्रेशर का स्टेट को बदलने के लिए, अवस्था को परिवर्तन करने के लिए, जानते हैं इसके बारे में। गैस कैन बी इजीली लिक्विफाई बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूस द टेम्परेचर। व्हेन ए हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू ए गैस इट गेट्स कंप्रेस्ड एंड इट द टेम्परेचर इज ए लोएस्ट द गैस इज ए लिक्विफाइड। जो गैस होता है उस पे अगर ज़्यादा मात्रा में फोर्स अप्लाई करें, ये देखिए आप यहाँ पे गैस को देख सकते हैं,
ये गैस में अगर ज़्यादा मात्रा में प्रेशर अप्लाई करें तो वो लिक्विड में चेंज हो सकता है, और उस लिक्विड को फिर ज़्यादा मात्रा में अगर फिर से प्रेशर अप्लाई करें तो वो सॉलिड में अप्लाई हो सकता है, सॉलिड में चेंज हो सकता है। जैसे सॉलिड आइस, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं हम लोग सॉलिड आइस को, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर ज़्यादा मात्रा में प्रेशर दिया जाए तो उसके जो पार्टिकल है, उसके बीच जो खाली स्थान है, वो स्पेस है, वो और करीब आ जाके जो सॉलिड के पार्टिकल जितने करीब होते हैं उस अवस्थाओं में चेंज हो जाएंगे। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्ट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट, डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू ए 1 atmospheric विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। दिस इज ए रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उस पर अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो लिक्विड में आए बिना सीधे सॉलिड अवस्थाओं में बदल सकता है, इसीलिए उसे ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्ज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू ए गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपोरेशन और इवेपोरेशन। जो वेपोरेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वेपोरेशन बोलते हैं। अगर टेम्परेचर हाई कर दिया जाए तो वेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। वेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, ये सतही घटना है। जैसे विंड को बढ़ाया जाए तो भी वेपोरेशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो भी वेपोरेशन की दर रेट बढ़ जाएगा, और ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो जाए तो वेपोरेशन कम हो जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ए वेपोरेशन, द रेट ऑफ ए वेपोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड। अगर लिक्विड का सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए तो वेपोरेशन की रेट बढ़ जाएगा। द रेट ऑफ ए वेपोरेशन इंक्रीज विथ एन इंक्रीज ए टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को भी बढ़ा दिया जाए तो वेपोरेशन का दर बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर ह्यूमिडिटी को अगर बढ़ा दिया जाए तो वेपोरेशन की दर घट जाएगा। एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ ए वेपोरेशन, अगर विंड की स्पीड, जो हवा की स्पीड है, हवा की जो रफ्तार है, उसको अगर बढ़ा दिया जाए तो भी वेपोरेशन की दर बढ़ जाएगा। इस तरह ये सारे फैक्टर है जो वेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। वेपोरेशन कॉज कूलिंग, वेपोरेशन जब होता है तो कूलिंग इफेक्ट आता है, वो कैसे आता है चलिए इसके बारे में जानते हैं। द पार्टिकल ऑफ ए लिक्विड अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिजेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग वेपोरेशन। दिस अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल। जो वेपोरेशन जब क्रिया होता है तो जो जल के कण होते हैं या जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो अपने वातावरण से एनर्जी को अब्सॉर्ब कर पाते हैं, उतना एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं जितना में ये वेपोरेशन हो सके, जितना में ये वाष्पशील बनकर उड़ सके, तो उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है ये अपने सराउंडिंग से, और उस एनर्जी को कन्वर्ट कर जब वह वाष्पशील हो जाता है तो आसपास के क्षेत्र को कूलिंग इफेक्ट देता है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास के एनर्जी को वो कन्वर्ट कर लिया तो वहाँ पे अब हीट बचा नहीं, इसीलिए वहाँ पे कूल लगता है, ठंडा लगता है। गर्मी के मौसम में जब आपको पसीना आता है और उस समय जब हल्का मात्रा में हवा चले तो आपको ठंडा लगता है, क्योंकि जो पसीना के कण है वो वाष्पशील हो जाते हैं, वेपोराइज्ड हो जाते हैं, तो उस जगह पे हमें ठंडा लगता है, इसी चीज़ को कूलिंग इफेक्ट बोलते हैं। आगे चलते हैं, अब जान लेते हैं हम लोग पदार्थों के पांचवी अवस्था और चौथे अवस्थाओं को। हाल फिलहाल में साइंटिस्ट ने पांचवा अवस्था मैटर का और चौथा अवस्था मैटर का खोजा है, उसके बारे में हम लोग जान लेंगे, जिसे हम लोग पीछे तो पढ़ लिए सॉलिड लिक्विड और गैसियस के बारे में, मगर अब जानना होगा हमें कि प्लाज्मा क्या है और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, ये सब के बारे में भी हम लोग जान लेंगे, क्योंकि ये चौथा और पांचवा अवस्था है मैटर के जो हाल फिलहाल में खोजे गए हैं। तो चलिए इसकी तरफ चलते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं।
प्लाज्मा क्या है? द स्टेट कंसिस्ट ऑफ ए सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटिंग पार्टिकल। दिस पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ ए आयनाइज्ड गैस ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियोन साइन बल्ब। कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, जो प्लाज्मा होता है वो सुपर एनर्जेटिक कण होते हैं, इस तरह के आप देख सकते हैं। ये मिलता है ट्यूब लाइट में। ट्यूबलाइट में जो होता है उसमें कण जो होता है वो प्लाज्मा कण होता है, वो सुपर एनर्जेटिक होता है, वो काफ़ी मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है। आप जानते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिकेट द फिफ्थ स्टेट ऑफ ए मैटर कॉल्ड द बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इंडिया के एक भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया था, द बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसका नाम सत्येंद्रनाथ बोस था, उसी के नाम पर इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रखा गया था, जिसे BEC के नाम से जानते हैं। फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ ए गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी ऑफ ए सुपर लो टेम्परेचर। जिसका डेंसिटी, जिसका घनत्व कम होता है जिस गैसों का, उसको अगर कम टेम्परेचर में रखा जाए, सुपर लो टेम्परेचर में रखा जाए, तो इस तरह का स्थिति पैदा हो जाता है। तो इसी मैटर को बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट कर लिए पूरे। अब इसके क्वेश्चन आंसर आप कर पाएंगे और इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।